जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज मैं आपको इस वीडियो में परिवर्तनी एकादशी की व्रत कथा सुनाऊंगी। यह कथा मनुष्य द्वारा ईश्वर से अपने अहंकार के नाश की प्रार्थना तथा विष्णुलोक की प्राप्ति के लिए अति योग्य मानी जाती है। जो मनुष्य इस महत्वपूर्ण परिवर्तनी एकादशी की व्रत कथा को पढ़ता या सुनता है, उसे अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। आइए अब करते हैं परिवर्तनी एकादशी की व्रत कथा को प्रारंभ। त्रेता युग के समय की बात है। बलि नाम का एक महाप्रतापी और महातेजस्वी असुर राजा हुआ करता था। वह बहुत ही बड़ा भक्त और दानी था। बलि सदैव सत्य वचन बोलता था तथा ब्राह्मणों की सेवा में हमेशा आतुर रहता था। राजा बलि हमेशा धर्म के कार्य तथा यज्ञ और तप आदि किया करता था। महापराक्रमी होने के कारण उसने पाताल तथा पृथ्वीलोक के साथ साथ स्वर्गलोक पर भी विजय प्राप्त कर ली थी और देवताओं के राजा इंद्रदेव के स्थान पर स्वर्गलोक पर राज्य करने लगा था। इस कारण इंद्रदेव अन्य देवताओं सहित भगवान श्री विष्णु जी के वैकुंठ लोक पधारे और उनसे सहायता करने की प्रार्थना की। देवताओं की ऐसी स्थिति देखकर भगवान श्री विष्णु जी ने एक लीला रची। लीला के अनुसार भगवान श्री विष्णु जी ने एक वामन यानी कि बोने ब्राह्मण का रूप धारण किया। यह रूप धारण करके वह राजा बलि के पास भिक्षा मांगने के लिए गए। राजा बलि ने जब बोने ब्राह्मण को अपने द्वार पर देखा तो राजा ने कहा, हे ब्राह्मण देव, आपको मैं प्रणाम करता हूँ, बताइए मैं आपकी किस प्रकार सहायता कर सकता हूँ। राजा बलि के इस प्रकार पूछने पर वामन ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, आप तो तीनों लोकों के स्वामी हैं, आप मुझ जैसे ब्राह्मण को क्या नहीं दे सकते, परंतु मुझे आपसे तीन पग यानी कि पाव भूमि दान में चाहिए, इससे आपको तीनों लोकों के दान का फल प्राप्त होगा। ब्राह्मण की इस इच्छा पर राजा बलि अहंकार वश जोर जोर से हंसने लगा और कहा, हे ब्राह्मण देव, यह आपने क्या मांग लिया, आपने तो बहुत ही तुच्छ वस्तु मांग ली, तीन पग भूमि से आपका क्या होगा। राजा बलि ने आगे कहा, तीन पग भूमि से ज्यादा भूमि तो मनुष्य को मरने के बाद लगती है, तीन पग भूमि आपके लिए बहुत ही कम भूमि है, मैं तीनों लोकों का स्वामी हूँ, आप मुझसे और ज्यादा भूमि की कामना कर सकते हैं, मैं आपको उतनी भूमि प्रदान कर दूंगा। इस पर ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, नहीं, मैं ठहरा एक ब्राह्मण, मैं ज्यादा भूमि से क्या करूंगा, आप मुझे बस तीन पग भूमि देने की कृपा करें। राजा बलि ने कहा, ठीक है, जैसी आपकी आज्ञा, मैं आपको तीन पग भूमि देने का वचन देता हूँ, आप अपने पांव से तीन पग भूमि माप कर भूमि ले लीजिए। राजा बलि के ऐसा कहने पर ही ब्राह्मण रूप में भगवान श्री विष्णु जी ने अपना आकार बढ़ाया और देखते ही देखते ब्राह्मण के पैर भूलोक पर, जांघे भुवन लोक में, कमर स्वर्ग लोक में, पेट महालोक में, हृदय जन लोक में, कंठ तप लोक में तथा मुख सत्य लोक में दिखने लगा। फिर ब्राह्मण ने दो पग में ही पाताल, पृथ्वी और स्वर्ग तीनों लोकों को माप लिया। ब्राह्मण ने राजा बलि से पूछा कि तीसरा पग रखने के लिए तो स्थान ही नहीं बचा, अब आप ही बताइए मैं तीसरा पग कहाँ रखूं? इस पर राजा बलि जान गए कि यह ब्राह्मण रूप में और कोई नहीं श्री हरि ही है और बलि ने अपने वचन को पूरा करने के लिए तीसरा पग अपने सर पर रखने के लिए कहा। फिर ब्राह्मण ने अपना तीसरा पग राजा बलि के सर पर रखा तो उस पग के प्रभाव से राजा बलि को ब्राह्मण ने पाताल लोक में पहुँचा दिया। परंतु बलि के सत्य वचन और भगवान के प्रति निष्ठा से खुश होकर भगवान विष्णु जी ने राजा बलि को कहा कि मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा तथा अगले मनवंतर में तुम स्वर्ग लोक के राजा इंद्रदेव बनोगे। इस प्रकार ईश्वर ने राजा बलि के अहंकार का नाश किया और उसका उद्धार किया। इसके बाद राजा बलि पाताल लोक का राजा हो गया और वहाँ पर राज्य करने लगा। ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री हरि विष्णु जी एक छवि राजा बलि के पास भादो के शुक्ल पक्ष की परिवर्तनी नामक एकादशी के दिन रहती है और दूसरी छवि शीर सागर में शेषनाग पर शयन करती रहती है। ऐसी भी मान्यता है कि इस एकादशी के दिन भगवान श्री विष्णु जी सोते हुए करवट बदलते हैं। इस दिन व्रत तथा परिवर्तनी एकादशी व्रत कथा का पालन करने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त होता है और उसके अहंकार का नाश होता है। अंत में मनुष्य सद्गति को प्राप्त होकर स्वर्ग लोक को जाता है। तो दोस्तों, ये थी परिवर्तनी एकादशी की व्रत कथा। आपको ये कथा कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।